होली को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा शहर के सभी संवेदनशील क्षेत्रों में रूट मार्च किया गया है। शातिर अपराधियों के लिए पुलिस ने अब कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू कर दिया है। होली एक ऐसा त्योहार है जिसमें सभी लोग एक दूसरे के रंग लगाकर खुशी का इजहार करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी शातिर आरोपी हैं जो होली धूलि वंदन के दिन अपनी पुरानी रंजिश को अंजाम देते हैं, समय मिलते ही हत्या भी करते हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए नागपुर पुलिस ने कॉम्बिंग ऑपरेशन के तहत अपराधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। नागपुर रजनी परिसर से शहर के संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस ने रूटमार्च शुरू किया है तथा कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए होली सेलिब्रेशन को लेकर कड़े दिशा निर्देश नागपुर पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार इन्होंने दिए हैं। किसी भी प्रकार की गैर कानूनी या संदिग्ध गतिविधियों को देखने पर तुरंत पुलिस को सूचित कर सकते हैं, जिससे कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुँच कर कड़ी कार्रवाई जरूर करेगी। तर उद्या आपल्याकडे होळीचा सण आहे, त्यानंतर सोमवारी धुलिवंदन आहे, त्याचप्रमाणे उद्या रात्री मुस्लिम धर्मियांचा शबे बारात हा सण आहे, त्याच्या अनुषंगाने आपण हा रूटमार्च घेतलेला आहे। आणि सर्व नागरिकांना या निमित्ताने मी असं निवेदन करतो आहे की सध्या कोरोनाची साथ मोठ्या प्रमाणावर पसरते आहे, लाट आलेली आहे, त्या दृष्टिकोनातून हे सण साजरे करत असताना 5 पेक्षा जास्त लोकांनी एकत्र येऊ नये, सार्वजनिक ठिकाणी गर्दी करू नये, अशा प्रकारचे आदेश काढण्यात आलेले आहेत जिल्हाधिकाऱ्यांकडून, महापालिका आयुक्तांकडून आणि पोलीस आयुक्तांकडून। नागरिकांनी हे सण साजरे करत असताना कोरोना संदर्भात आवश्यक ती काळजी घेणं, म्हणजे सोशल डिस्टन्सिंग असेल, मास्क लावणं असेल, या सर्व गोष्टींची काळजी घ्यायची आहे आणि कोरोनाचा उद्रेक वाढू नये या अनुषंगाने काळजी घेऊनच हा सण साजरा करायचा आहे, असं आम्ही या निमित्ताने सर्वांना आवाहन करतो। शहर से पुलिस ने रूट मार्च किया तो शहर वासियों ने उनका स्वागत किया। अब देखना ये होगा कि पुलिस होली में कितने शरारती हुड़दंगियों और शातिर अपराधियों को गिरफ्तार करती है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ संजय मिरे, BCN News नागपुर।